हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सीएस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों को आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग जानेंगे जब कभी कंपनी लोन या एडवांस देती है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे दिया जाता है, क्या नियम कानून है एक कंपनी के लिए। सो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यूं ही GST, इनकम टैक्स, एक्सेल, टैली से रिलेटेड वीडियोज, अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेड अ लोन टू इट्स डायरेक्टर, ऑल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ 60% वोटिंग पावर। द डायरेक्टर रिटर्न द लोन आफ्टर 6 मंथ विद इंटरेस्ट। असेसिंग ऑफिसर आस्क द कंपनी टू पे डिविडेंड, डीम्ड dividend tax at the rate of 30% and surcharge with cess. Is this a correct action by assessing officer? What will be your answer if it was for commercial purpose, that is for company's benefit? अच्छा, एक private limited company ने loan दिया एक director को जो कि shareholder भी था 60% voting power का, और उसने loan दिया था तो loan का मतलब है director को return भी करना था पैसा, तो उसने 6 महीने में return भी कर दिया interest के साथ, वो भी return कर दिया। एसेसिंग ऑफिसर आ गया और कहा कि कंपनी को देना पड़ेगा डीम डिविडेंड टैक्स, वो भी 30% में। तो कंपनी ने कहा कि क्यों टैक्स, मैंने तो लोन दिया था और सामने वाले ने लोन और इंटरेस्ट रिटर्न कर दिया। तो एसेसिंग ऑफिसर ने कहा कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जब भी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी लाइक अ प्राइवेट कंपनी लोन या एडवांस देती है एक ऐसे इंसान को जो कि शेयर होल्डर भी है, वो भी 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर का, तो उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, वो भी कितना, 30%। यस फ्रेंड, 30% देना पड़ता है टू द एक्सटेंट उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसका मतलब सपोज एक कंपनी के पास 2 लाख रुपया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और कंपनी ने क्या किया, लोन दे दिया अपने डायरेक्टर को, और वो डायरेक्टर 60% शेयर होल्ड करता है, वोटिंग पावर होल्ड करता है। अब वो डायरेक्टर रिटर्न करे ना करे से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट था नहीं था कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने अगर पैसे दिए एक ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास 10% उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसे डीम डिविडेंड माना जाता है इनकम टैक्स में, ये नियम है। सो इस केस में भी जैसा आप देख रहे हो, एक प्राइवेट कंपनी ने दिया एक आदमी को जो 60% से ज़्यादा वोटिंग हेल्ड, 60% वोटिंग पावर हेल्ड करता है, जबकि एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि 10% उससे ज़्यादा वोटिंग पावर अगर कोई शेयर होल्डर होल्ड करता है, ऐसे शेयर होल्डर को अगर कंपनी कुछ भी देता है लोन एडवांस बोल के, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ेगा प्लस जो भी अलग से सरचार्ज सेस लगता है वो भी लगा के। सो यहाँ पर जो एक्शन लिया गया असेसिंग ऑफिसर का बिल्कुल करेक्ट है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए है, यानी कंपनी ने पैसे दिए शेयर होल्डर को, वो भी ऐसे शेयर होल्डर को जो 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर हेल्ड करता है कंपनी का, पर कंपनी ने दिया कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी की बेहतरी के लिए दिया था, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन था कि वो बदले में वो कुछ करके देगा वो पर्सन, उसीलिए कंपनी ने दिया था, अगर ऐसा कुछ था तब ये डीम डिविडेंड नहीं आता, तब कंपनी को डीम डिविडेंड टैक्स इस पर नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ लिखा है ये सब बातें, ये सब बातें आपको देखने के लिए, जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा डीम डिविडेंड वाला। डिविडेंड इनकम हम लोग जानते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2.1 में कवर्ड है, और डीम डिविडेंड का डेफिनेशन 2 सेक्शन 2 के सबसेक्शन 22 में ए से लेकर ए, यानी 5 पॉइंट कवर किए गए हैं जिसे डीम डिविडेंड कहा गया है। डीम डिविडेंड के लिए ये भी कहा गया है जितना कंपनी के पास फ्री रिजर्व है उससे ज़्यादा डीम डिविडेंड नहीं ट्रीट कर सकते। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, सपोज़ ये बैलेंस शीट है और शेयर कैपिटल 1 लाख है, एग्जांपल के लिए मैंने बताया है, फ्री रिजर्व 2 लाख है, एसेट 3 लाख है। सपोज़ कंपनी ने 3 लाख रुपये दे दिए अपने शेयर होल्डर को, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डीम डिविडेंड क्या कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 3 लाख पे लगेगा डीम डिविडेंड, नहीं, फ्री रिजर्व, जितना फ्री रिजर्व है तो 2 लाख पे देना पड़ेगा डीम डिविडेंड टैक्स। पर सपोज कंपनी ने दिया अपने शेयर होल्डर को 1 लाख रुपया, जबकि फ्री रिजर्व 2 लाख रुपया था, पर एसेट से 1 लाख एसेट दे दिया कंपनी ने शेयर होल्डर को, तो डीम डिविडेंड टैक्स कितना पे लगेगा, 1 लाख पे लगेगा, 2 लाख से ऊपर पे नहीं लग सकता क्योंकि 2 लाख तक ही फ्री रिजर्व है, जितना तक फ्री रिजर्व है उससे ज़्यादा नहीं, तो उस केस में 1 लाख पे लगेगा डीम डिविडेंड टैक्स, जो भी एप्लीकेबल हो। जनरली अभी 15% है ए से लेकर
22 का सेक्शन 2 का 22 में मैंने आपको बताया ए से लेकर ई तक पॉइंट है, तो ए बी सी डी के लिए 15% है, ई के लिए 30% है। तो जैसे देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनी एसेट। कंपनी के पास एसेट था, कंपनी ने एसेट अपने शेयर होल्डर को दिया, याद रखिएगा शेयर होल्डर को दिया है, भले शेयर कितनी भी होल्डिंग हो शेयर होल्डर को दिया है, तो जितना दिया है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट उसका एक्यूमुलेटेड है यानी रखा हुआ है उसके पास पहले का रखा हुआ, एक्यूमुलेटेड रखा हुआ है, तो यहाँ पर 200,000 रखा हुआ है। सो यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनी एसेट, कंपनी का एसेट 300,000 है, 200,000 तक है उसके पास फ्री रिजर्व, तो कंपनी अगर 300,000 दे देता है सपोज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दैट इज डीम्ड डिविडेंड जो है वो लगेगा 200,000 के ऊपर, ना कि उस एक्स्ट्रा 100,000 के ऊपर, वो नहीं लगेगा, 200,000 तक ही लग सकता है। सेकंड में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर एंड बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी अगर कंपनी डिबेंचर अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर देता है या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देता है या फिर प्रेफरेंस शेयर वाले लोग को बोनस शेयर इशू कर देता है, तो एक तरीके से कंपनी अपना अपना एसेट से दे रहा है, इस पर भी लग जाता है डीम डिविडेंड टैक्स, इस पर भी लगेगा डीम डिविडेंड टैक्स। ध्यान रखिएगा बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर को होल्डर को हो रहा है तो उस पर डीम डिविडेंड टैक्स नहीं है, ऐसा बता दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि नहीं है, पर बोनस शेयर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को दे रहा है तो उस पर लगता है डीम डिविडेंड टैक्स, और अगर किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी डिबेंचर इशू कर रहा है, सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए जा रहा है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट से दिए जा रहा है, इसीलिए जितना उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना तक, सपोज 200,000 जैसे हम लोग ने देखा, सपोज 200,000 तक ही सपोज उसने इशू किया तो 200,000 पे लगेगा डीम डिविडेंड टैक्स, जो कि मैंने आपको बताया ए बी सी डी पॉइंट के लिए 15% है और ई वाले के लिए स्पेशली 30% है। ये सब टैक्स कंपनी पे करती है, ना कि शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, शेयर होल्डर को पैसे वैसे मिले हैं, तो क्या इस पे लगेगा डीम डिविडेंड टैक्स? द आंसर इज यस, इस पे भी लगेगा डीम डिविडेंड टैक्स, पर टू द एक्सटेंट जैसे कि मैंने कहा जितना फ्री रिजर्व है उससे ज्यादा नहीं, फ्री रिजर्व जितना भी आपको देखना पड़ेगा कि केस में फ्री रिजर्व कितना है, सपोज 200,000 है और डिस्ट्रीब्यूशन पे सपोज मिला 300,000, तो ऐसे केस में 200,000 तक पे ही ये डीम डिविडेंड टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा 1,00,000 पे नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस्ड हो गया तो फिर उसे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, सपोज कैपिटल रिड्यूस हो तो उसमें क्या होता है, जब कैपिटल रिड्यूस होता है तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है, बैलेंस पैसा जो है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस पर भी लग जाएगा डीम डिविडेंड टैक्स, जो कि कंपनी को देना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पॉइंट नंबर ई सबसे इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, क्योंकि इसमें कहा गया एडवांस या लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, ऐसा केसेस बहुत होता है। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसमें एक वीडियो है जिसमें बताया गया है क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है। फिर भी अगर अभी इसी वक्त समझना है क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो मैं एग्जाम्पल पे बोल सकती हूँ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्लोज रहता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी माना जाता है, या पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, शेयर होल्डिंग ऐसी है कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो वैसी कंपनी को माना जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी। ऐसी जब कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन या एडवांस देती है अपने शेयर होल्डर को, स्पेशली वो शेयर होल्डर जो 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर हेल्ड करते हैं, तो ऐसे केसेस में उसको भी माना जाएगा डीम डिविडेंड और कंपनी को देना पड़ेगा डीम डिविडेंड टैक्स। होता क्या है फ्रेंड, क्लोजली हेल्ड कंपनी सपोज एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जनरली क्या होता है, कुछ लोग फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, आपस में बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर देते हैं। अब क्या है, प्राइवेट कंपनी वो अपनी कंपनी समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी से सपोज पैसे निकाले, उन्होंने कुछ एसेट ले लिया, जैसे ही उन्होंने एसेट निकाला तो क्या एसेसिंग ऑफिसर आ गया, बोला कि भाई आपने तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी एसेट, वो भी टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सपोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 200,000 था, सपोज 200,000 ही निकाले या फिर 300,000 निकालते तो 200,000 तक पे लगता डीम डिविडेंड टैक्स,
सो वही बता रहे कि सपोज एक जो शेयर होल्डर था कंपनी का 30% होल्ड करता है, प्राइवेट कंपनी है, 30% शेयर होल्डर होल्ड करता है, उसने क्या किया, कुछ एसेट निकाले कंपनी के और अपने घर पे ले लिया, अपने घर पे रख लिया, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर आ गया ये कहने के लिए भाई डीम डिविडेंड टैक्स दो। तो उसने सोचा क्या करूँ, डीम डिविडेंड टैक्स 30%, ऊपर से सरचार्ज सेस कितना अमाउंट लग जा रहा है टैक्स में, आधा पैसा तो इसमें ही निकल जा रहा है। तो उसने क्या किया, कंपनी से लोन एडवांस ले लिया। जब कंपनी से लोन एडवांस लिया, असेसिंग ऑफिसर वापस आया और कहने लगा भाई आपने तो कंपनी से पैसे लिए हैं, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा इसमें डीम डिविडेंड टैक्स। तो उसने कहा कि भाई डीम डिविडेंड टैक्स कैसा, ये तो इसमें से मैंने लोन लिया है और लोन का मतलब, लोन एडवांस का मतलब होता है कि वापस मुझे रिटर्न करना है, और मेरी और कंपनी के बीच अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम लोग 10 साल बाद या 15 साल बाद इसको रिटर्न करेंगे विद और विदाउट इंटरेस्ट, ही हम लोग का है मामला। तब असेसिंग ऑफिसर ऐसे में क्या करें, उसके लिए बना दिया गया है ये प्रोविजन ई नंबर, और कह दिया गया कि अगर कभी भी कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने उस शेयर होल्डर को जो कि 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर हेल्ड करता है को देता है लोन या एडवांस बोल के, तो भी कंपनी को देना पड़ेगा डीम डिविडेंड टैक्स जो कि रेट होगा 30% प्लस सरचार्ज और सेस। इसमें एक और पॉइंट ये भी बोला कि सपोज कंपनी क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने दूसरी एक कंसर्न को दिया, दूसरी कंसर्न मतलब सपोज जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसने उसने किसी एच यू एफ को दे दिया, यानी एक सपोज प्राइवेट कंपनी है उसने लोन दिया एच यू एफ को, या फिर किसी फर्म को दे दिया, या फिर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या किसी एक और दूसरी कंपनी को ही दे दिया लोन एडवांस, और उस कंपनी में इस कंपनी का शेयर होल्डर भी ओनर है कितना परसेंट, एटलीस्ट 20% का इन प्रॉफिट में शेयर लेता है। सपोज एक प्राइवेट कंपनी है उसने एक दूसरी फर्म को दे दिया, उस फर्म में उसी का डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है जो उसकी कंपनी में होल्ड करता है 10% या उससे ज़्यादा, और दूसरी कंपनी में जो है सॉरी दूसरी फर्म में वो होल्ड करता है 30% प्रॉफिट में शेयर होल्ड करता है। तो ऐसे केस में भी ये माना जाएगा लोन एडवांस डीम डिविडेंड वाला केस, ये केस को भी कवर किया गया है। इस केस के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो सेक्शन 222E देखिएगा, वहाँ पर क्लियरली ये सारे पॉइंट बताए गए हैं कि कंपनी में 10% वाले शेयर होल्डर और दूसरी कंसर्न में लिया गया है एच यू एफ, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, 5 लोगों को लिया गया, ऐसे 5 जो कंसर्न है इसमें अगर 20% उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर या शेयर होल्ड करता है वो आदमी जो कि मेरी कंपनी में भी शेयर होल्डर है वो भी 10% या उससे ज़्यादा का, तो भी ऐसा ही माना जाएगा लोन और एडवांसेस। ऐसा रूटिंग किया जाता है क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनी में कई बार ऐसे लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि डीम डिविडेंड टैक्स नहीं पे करना पड़े। सो इस लूप होल को बंद करने के लिए ये पॉइंट 2 जो है इसमें ऐड कर दिया गया, एडवांस और लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इस शेयर होल्डर में। आई होप ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया ताकि केस समझने में आसानी हो। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी में कई बार ऐसा होता है कि अपना ही कंपनी समझ के ये लोग पैसे ले लेते हैं, पर असेसिंग ऑफिसर कहता है कि आप जब कंपनी से लेते हो एसेट या फिर लोन एडवांसेस तो वो डीम डिविडेंड हो जाता है, कंपनी को डीम डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। अगर डीम डिविडेंड लोन एडवांस के तौर पर है तो 30%, अदरवाइज तो डिविडेंड जैसे मैंने बताया डीम डिविडेंड पे 15% का टैक्स है, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज और सेस छोड़ के मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सो कई बार लोग ट्रांजैक्शन इस तरह से रूटिंग करते हैं कि पता ना चले कि हाँ लोन एडवांस डायरेक्टली उसी शेयर होल्डर ने लिया है, पर अगर पता चल जाता है तो फाइन यही होता है कि आपको डीम डिविडेंड टैक्स पे करना ही पड़ता है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया डीम डिविडेंड में क्या क्या पॉइंट कवर है, एक्सक्लूजन भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या एक्सक्लूडेड है। अगर किसी कंपनी का लोन देने का ही बिजनेस है, लेंडिंग का ही बिजनेस है, लेंडिंग ऑफ मनी, तो वो कवर नहीं, तब तो फिर हमेशा डीम डिविडेंड का केस आता जाएगा, इसीलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। डिविडेंड पेड इफ सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम डिविडेंड, सपोज एक शेयर होल्डर ने क्या किया, पैसे लिए पहले, तो ऑफकोर्स एक बार उसको जब उसने कुछ लिया, अमाउंट लिया लोन या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी लिया, तो उस पर तो पहले डीम डिविडेंड बोलकर टैक्स लग गया। अब फिर कंपनी ने डिविडेंड दिया
और उसको एडजस्ट कर दिया वापस उस आदमी के साथ, जितना ड्यू था अमाउंट एडजस्ट कर दिया वापस, नहीं पे किया उसको एक्स्ट्रा कुछ, एडजस्टमेंट हो गया। सपोज 20,000 सामने वाले ने लिया था कंपनी से, तो 20,000 पे डीम डिविडेंड टैक्स तो लग गया एक बार उसने कंपनी ने पे कर दिया। अब वापस कंपनी कुछ दिनों बाद कंपनी ने डिविडेंड सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो क्या वापस से लगेगा डीम डिविडेंड टैक्स उस अमाउंट पे? नहीं, सेट ऑफ कर दिया जाएगा, उसको उतना पे नहीं किया जाएगा, बोले पहले तो हम लोग पे कर चुके हैं, एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, तो वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसके अलग से डीम डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, सॉरी फुल कंसिडरेशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद सी और डी। सी बात करता है जब कंपनी लिक्विडेट होता है, और डी बात करता है जब कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड हो रहा है। सो अगर लिक्विडेट हो रहा है या शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड हो रहा है, ऐसा कोई केस हो रहा है उस समय, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन, और उस शेयर जो शेयर पे फुल कैश दे के शेयर लिया गया है वैसे वाले शेयर पे, एंड द होल्डर्स ऑफ शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस एसेट, और वो सारे शेयर होल्डर जो हैं उनको उनका ऐसा ही है बना हुआ कि वो लोगों को सरप्लस एसेट पे, अगर कंपनी लिक्विडेट होता है तो सरप्लस एसेट पे पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, उनको शेयर नहीं मिलता, अगर ऐसा कोई कैटेगरी वाले हैं उन पे भी ये डीम डिविडेंड वाला पॉइंट नहीं आएगा, कंपनी को उस केस में नहीं देना पड़ेगा डीम डिविडेंड। पेमेंट ऑन बायबैक, कंपनी शेयर बायबैक कर रही है तो ऑफकोर्स कंपनी पैसे दे रही है शेयर होल्डर को, तो उसको भी डीम डिविडेंड में हम लोग नहीं लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टू शेयर होल्डर ऑन डीमर्जर, कंपनी डीमर्जर हो रहा है तो उसमें भी अगर शेयर होल्डर के पैसे जाते हैं तो वो भी डीम डिविडेंड के केस में नहीं आता। तो जैसे कि आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट कवर्ड है, जिसमें ये कहा गया कि इन सब पे हम लोग डीम डिविडेंड नहीं लेंगे, अदरवाइज सब पे लगेगा। और खास खास पॉइंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बताया हर जगह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया गया है। सेक्शन 115(o) जो कि बताता है डीम डिविडेंड से, बताता है कि एग्जेम्प्ट होता है डीम डिविडेंड। 115(bbda) जो कि ये बताता है कि सर्टेन केसेस में, कुछ केसेस में क्या होता है कि डिविडेंड अगर 10 लाख से ऊपर है तो एक्सेस अमाउंट पे, सपोज 11 लाख है तो 1 लाख के ऊपर जो है शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, यानी कंपनी ने जो टैक्स दिया वो अलग है, एक्स्ट्रा 10 लाख के ऊपर जो पैसा मिलता है उस पे शेयर होल्डर पे करेगा। सो ये भी एक प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। देन सेक्शन 1034, ये एग्जम्पशन बताता है, सेक्शन 10 हम लोग जानते हैं, सेक्शन 10 एग्जम्पशन का सेक्शन है, काफ़ी सारे एग्जम्पशन बताता है इनकम टैक्स में। सो 1034 के अंदर हम लोग डिविडेंड का एग्जम्पशन लेते हैं कि हाँ डिविडेंड एग्जम्प्ट डोमेस्टिक कंपनी में, तो ये रहा हम लोग इस सेक्शन के अंदर हम लोग ये एग्जम्पशन ले रहे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे 15% लगता है, और सेक्शन 222(e) जो कि मैंने आपको बताया, क्लोजली हेल्ड कंपनी जब शेयर होल्डर को देता है पैसे, वो शेयर होल्डर जो 10% से ज़्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करता है, 10% से ज़्यादा का, उनको 30% उस केस में 30% देना पड़ता है विदाउट क्रॉसिंग अप। क्रॉसिंग अप एक टेक्निक है तो वो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी भी, बट विदाउट क्रॉसिंग अप लिखा, यानी जितना भी देगा उस टोटल अमाउंट पे 30% आपको लेना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज असेस लगा के उतना आपको कंपनी को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, डीम डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग वापस से वही वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहा गया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेड अ लोन टू हिज डायरेक्टर ऑल्सो अ शेयर होल्डर। खास बात यहाँ पर यह है कि वो आदमी शेयर होल्डर भी था, वो भी 60% ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोग ने देखा है कि एक्ट में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, जब भी कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी का शेयर होल्डर 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर वाला, एज्यूम कर रहे हैं इक्विटी शेयर वाले के पास वोटिंग पावर है, तो वोटिंग पावर वाला 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर वाला वो कंपनी से पैसे लेता है लोन या एडवांस बोल के, तो टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा डीम डिविडेंड टैक्स 30%। इज दिस अ करेक्ट एक्शन बाय सिंग ऑफिसर? यस, और बहुत सारे केस में बताया गया है जब भी कभी ऐसा होता है क्लोजली कंपनी देता है पर अपनी बेनिफिट के लिए दे रहा है, क्लोजली हेल्ड कंपनी सामने वाले शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए नहीं दे रहा, अपनी बेनिफिट के लिए दे रहा है, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा इसीलिए उसने पैसे दिए हैं शेयर होल्डर को ताकि सामने वाला बंदा काम करा के दे दे, तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तब डीम डिविडेंड नहीं लगता।
सो डीम डिविडेंड ना लगने के लिए यही है दो तीन तरीके कि कॉमर्शियल अगर पर्पस के लिए हो या इस तरीके से वो लोन दिखाया गया हो कि इसके प्रोविजन में नहीं है. डीम डिविडेंड शैल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ द कंपनी हैंड इट इज एग्जेम्प्ट. पहले फ्रेंड अमेंडमेंट हो गया, पहले क्या था इस वाले सेक्शन को शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स करवा दिया गया था, बट लेटर ऑन चेंज करके अब सिर्फ कंपनी ही टैक्स देती है इससे रिलेटेड. अच्छा अब बात करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि सेक्शन 185-186 फ्रेंड जब भी कोई कंपनी, मैंने आपको बताया अभी जो केस था वो क्लोजली हेल्ड कंपनी का था, क्लोजली हेल्ड कंपनी का, पर क्लोजली हेल्ड कंपनी को छोड़ के अगर मैं एग्रीगेटली कोई भी कंपनी बोलूँ, सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं, अगर कोई भी वाइडली क्लोजली कोई भी कंपनी अगर जब भी देती है लोन या एडवांस, तो हम लोग सेक्शन 185-186 देखते हैं, TDS प्रोविजन भी चेक करते हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड है. इस वीडियो में मैंने ये सब एस्पेक्ट को कवर नहीं किया है. अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें अलग से मैंने कवर किया गया है, मैंने किया है कि TDS प्रोविजन क्या होगा उस केस में जब कंपनी लोन देती है, सेक्शन 185 में क्या बताया है, सेक्शन 186 में क्या बताया है, और प्रोसेस क्या है कंपनी जब देगी तो क्या प्रोसेस के थ्रू उसे फॉर्मेलिटीज उसको करनी पड़ेगी. सो आई होप इससे आपको समझ में आया हो कि जब भी प्राइवेट कंपनी लोन देती है कि या एडवांस देती है अपने शेयर होल्डर को, स्पेशली वो जो 10% से ज़्यादा का होल्डिंग करते हैं, तो टैक्सेशन कैसा पड़ता है. और अगर वैसे भी अगर कोई भी कंपनी से अगर कोई शेयर होल्डर जब कोई पैसे लेता है या कोई एसेट लेता है तो डीम डिविडेंड का कंसेप्ट आ जाता है और कंपनी को डीम डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है, जो भी एप्लीकेबल रेट हो सरचार्ज और सेस मिला के जितना होता है उतना पेमेंट करना पड़ता है. और ये सब पेमेंट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उस सेक्शन में दिखाया जाता है इसको. सो दिस इज यस मनीषा साइनिंग ऑफ. और इससे ज़्यादा रिलेटेड अगर आपको वीडियो जानना है क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या है इससे रिलेटेड लोन देने का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसमें जल्द ही अपलोड आपको मिलेगा सारा वीडियोज़. थैंक यू, बाय.